अक्षय नवमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर घर में सदा के लिए वास करती हैं। अक्षय नवमी के दिन अपने स्नान करने के लिए लिए गए जल में आंवला के रस की कुछ बूंदें डालें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो जाएगी ही, साथ ही माता लक्ष्मी भी घर में विराजमान होंगी। अक्षय नवमी के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में घी का दीपक प्रज्वलित करें। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर भी डाल दें। इससे देवी जल्द प्रसन्न हो कृपा करेंगी। पांच कुवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं। सभी कन्याओं को पीला वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। किसी लंगड़े व्यक्ति को काले वस्त्र और मिठाई दान करें। इस दिन दान देने से देवी दानी के घर में वास करती है, साथ ही उसे अचल संपत्ति का वरदान भी देती है। श्री यंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करें। अभिषेक के जल की छींटे पूरे घर में करें। श्रीयंत्र पर कमलगट्टे के साथ तिजोरी में पर रख दें। इससे अवश्य धन लाभ होता है। श्यामा गाय की सेवा कर उन्हें हरा चारा खिलाएं। मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनकी सेवा करने से देवी जल्द ही प्रसन्न होती है और घर में धन वर्षा करती है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो अक्षय नवमी के दिन से आरंभ कर 41 दिन लगातार लाल मसूर की दाल की कच्ची रोटी बनाकर मछलियों को खिलाएं। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है, कर्ज अथवा भूमि जायदाद संबंधित समस्या में कमी आती है, साथ ही माता महालक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। मंगल ग्रह शांति के लिए ब्राह्मणों एवं गरीबों को गुड़ मिश्रित दूध या चावल खिलाएं। नवमी तिथि की स्वामी देवी दुर्गा हैं, सेमे जातक को दुर्गा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जीवन में यदि कोई संकट है अथवा किसी प्रकार की अड़चने आने से काम नहीं हो पा रहा है तो जातक को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को करे और माँ दुर्गा से अपने जीवन में आने वाले संकटों को हरने की प्रार्थना करे।